इस बार मनाया गया था टीवी का वर्ल्ड टीवी डे, उसमें थीम क्या रखी गई थी? तो दोस्तों उसकी थीम याद रखना आप, उसकी थीम है, हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी, मैं सत्यम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑक्सीटोसिन क्लासेस पर। दोस्तों आज ये हमारी सेकंड क्लास है नॉन नर्सिंग की, मैं सेकंड क्लास ले रहा हूं जो किसके ऊपर है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के ऊपर, ये हमारी सेकंड क्लास है फ्रेंड्स। कल वाली वीडियो पे अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, तो ये दोस्तों और वीडियोस में इंटरेस्टेड बनाने की कोशिश करूंगा, जैसा कि भाई आज की वीडियो में हम जो भी पढ़ेंगे ना आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे, आप लोग बोर ना हो, तो साइड में मैं इमेजेस भी डालूंगा आज, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे और इमेज को देख के आप ज्यादा टाइम तक उस चीज को लर्न कर सकते हो। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं भाई आज की हम नॉन नर्सिंग की जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की क्लास। स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले पॉइंट से आज का। भाई हमने कल की क्लास में लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था कि वुमेन्स आईपीएल कौन सी टीम ने जीता, तो उसका करेक्ट आंसर क्या था, मुंबई इंडियंस। तो उसी से रिलेटेड, वुमेन्स आईपीएल से ही रिलेटेड पहला पॉइंट है, हु बिकम मोस्ट एक्सपेंसिव वुमेन प्लेयर इन आईपीएल। भाई जो वुमेन्स का आईपीएल हुआ है उसमें सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बिकी थी, तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों स्मृति मंधाना, 3.4 करोड़ में सेल हुई थी स्मृति मंधाना। अगला पॉइंट है हमारा, हु बिकेम फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसको ऑपरेट करने वाली पहली महिला कौन है, उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सुरेखा यादव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, इमेज के हिसाब से भी आप याद रख सकते हो कि भाई हां मैंने इमेजेस भी देखी थी इनकी। अगला पॉइंट है हमारा, नितिन गडकरी अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट मिथेनॉल रन बसेस इन व्हिच सिटी। भाई जो नितिन गडकरी हैं हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मंत्री हैं, उन्होंने क्या अनवील किया है, भाई मिथेनॉल से चलने वाली बस उन्होंने स्टार्ट करी है, कौन से शहर में करी है ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बेंगलोर, बेंगलुरु में उन्होंने जो पहली ऐसी बस चलाई है जो किससे, मिथेनॉल से चलती है। अगला पॉइंट है हमारा, एशियाज लार्जेस्ट सीबीजी, सीबीजी क्या होता है, कंप्रेस्ड बायोगैस का प्लांट। भाई एशिया का सबसे बड़ा सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहां पर स्थित है, उसका करेक्ट आंसर है संगरूर पंजाब में। भाई संगरूर पीजीआई सबने दिया था इस बार, तो इससे याद रखना भाई कंप्रेस्ड बायोगैस का सबसे बड़ा प्लांट एशिया का कहां पे मौजूद है, पंजाब में, पंजाब में भी कहां पे, संगरूर में। अगला पॉइंट है, एशियाज लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट कहां पर है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इंदौर में है, ये एमपी में है। अगला पॉइंट है भाई, विच प्लेटफॉर्म बिकम वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रहा था कि भाई दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है, तो उसका करेक्ट आंसर दोस्तों हुबली कर्नाटका, कर्नाटका में एक स्टेशन है हुबली, वो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है रेलवे का। अगला पॉइंट है हमारा भाई, विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू इंडक्ट रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल ड्यूटीज। भाई ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे रोबोटिक एलिफेंट का यूज लिया जाएगा धार्मिक ड्यूटीज के लिए, तो स्टेट का नाम है क्या दोस्तों, केरला। केरला में वो हाथी का यूज करा जा रहा है जो एक रोबोटिक हाथी है। हाथी का नाम क्या है दोस्तों, हाथी का नाम है इरिंजादा पिल्ली रमन, इरिंजादा पिल्ली रमन है। साइड में आपको इमेज भी दिख रही होगी इसकी। अगला पॉइंट दोस्तों, विच कंट्री वॉन मैक्सिमम गोल्ड मेडल एट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। भाई 2023 में वुमेन्स की, महिलाओं की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी बॉक्सिंग में, उसमें सबसे ज्यादा गोल्ड कौन सी कंट्री ने जीते, तो दोस्तों हमारा इंडिया महान, हमारा देश महान, इंडिया ने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते थे। कितने गोल्ड जीते थे दोस्तों, 4, कोई सिल्वर नहीं, कोई ब्रॉन्ज नहीं, बस 4 गोल्ड जीते थे इंडिया ने और टॉप करा था। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा, हु बिकम एमडी एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक। जो कैनरा बैंक है उसके नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं, उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों के सत्यनारायण राजू, के सत्यनारायण राजू एमडी और सीईओ बने हैं कैनरा बैंक के। अगला पॉइंट दोस्तों, विच कंट्री इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन वर्ल्ड। भाई पूरी दुनिया में कौन सा कंट्री है जो सबसे ज्यादा मात्रा में दूध का उत्पाद करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, हमारा देश महान इंडिया। इंडिया दोस्तों पूरे वर्ल्ड का 24% मिल्क प्रोड्यूस करता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अगला पॉइंट है, हु हैज बीन नेम्ड एज द नेशनल एंबेसडर फॉर चिल्ड्रंस राइट। भाई बच्चों के अधिकार के लिए नेशनल ब्रांड एंबेसडर किसको बनाया गया है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, आयुष्मान खुराना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि भाई चाइल्ड्स के, चिल्ड्रंस के राइट की बात हो रही है इस पॉइंट में।
अगला पॉइंट आ रहा है दोस्तों, विच एयरलाइन कंपनी विल बाय 220 बोइंग प्लेन फॉर $34 बिलियन। भाई कौन सी एयरलाइन है जो 220 बोइंग प्लेन खरीद रही है, कितने में? $34 बिलियन में। तो दोस्तों एयरलाइन का नाम क्या है? एयर इंडिया। एयर इंडिया 220 नए बोइंग प्लेन खरीदने जा रही है, कितने में? भाई $34 बिलियन में। अगला पॉइंट दोस्तों, न्यू नेम ऑफ फिलिप्स। भाई फिलिप्स के जो डोमेस्टिक एप्लायंसेस हैं, घर में इस्तेमाल होने वाले जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, तो अब उस फिलिप्स का नाम बदल के क्या रख दिया है दोस्तों? वर्सुनी, VERSUNI, वर्सुनी अब फिलिप्स का नया नाम हो चुका है। अगला पॉइंट है, हु हैज वॉन द नेशनल ज्योग्राफिक्स फोटो ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट 2023। भाई नेशनल ज्योग्राफिक का जो कॉन्टेस्ट होता है, उसमें 2023 में किसने बेस्ट फोटोग्राफर का अवार्ड जीता है? तो उनका नाम है दोस्तों कार्तिक सुब्रमण्यम। अगला पॉइंट है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के आईफा 2023। भाई कौन सी मूवी है जिसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है बाबा साहेब फाल्के आईफा अवार्ड 2023 में? तो उसका आंसर है दोस्तों द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स ने बेस्ट मूवी का अवार्ड जीता है। अब अगर दादा साहेब जो आईफा 2023 हुआ था, उसमें अगर मैं बोलूं बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है दोस्तों, तो वो मिला है रणबीर कपूर को ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। और एक्ट्रेस की बात करूं तो दोस्तों आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई मूवी के लिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट AI चैटबॉट पावर्ड बाय ChatGPT। भाई ChatGPT के द्वारा इंडिया में लॉन्च होने वाला पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला चैटबॉट है, जो उसका क्या नाम रखा है? तो दोस्तों उसका नाम रखा है Lexi, LEXI उसका नाम रखा है। अगला है दोस्तों, इंडियाज फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट हैज बीन ओपन इन विच स्टेट और यूटी। भाई भारत का पहला कांच से बना हुआ इग्लू रेस्टोरेंट कहां पे ओपन हुआ है, कौन से स्टेट में या यूटी में ओपन हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में ये ओपन हुआ है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारे नर्सिंग फील्ड से ही आ रहा है, होप करता हूं सभी को इसका आंसर पहले से ही पता होगा। क्वेश्चन क्या है? नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेजल COVID-19 वैक्सीन। भाई जो इंट्रानेजली हम कोरोना की वैक्सीन बनाई है, उसका नाम क्या है और वो कहां कौन सी कंपनी ने बनाई है? तो दोस्तों उसका नाम है इनकोवैक। बनाई किसने है? भारत बायोटेक ने बनाई है। इनकोवैक की फुल फॉर्म यही है, इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन। तो ये आपको दोस्तों याद होना चाहिए, इंट्रानेजली दी जाएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, भाई विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना एक स्कीम है, ये कौन से प्रदेश ने लॉन्च करी है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्या दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दोस्तों सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने ये बहुत अच्छी एक योजना लाए हैं मध्य प्रदेश के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लाडली बहना योजना लॉन्च करी गई है कौन से प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट है दोस्तों, भाई हु बिकम द ब्रांड एंबेसडर ऑफ NMDC लिमिटेड। NMDC जो लिमिटेड कंपनी है, पहली बात तो भाई NMDC की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी जो ब्रांड एंबेसडर बनी है दोस्तों, उनका नाम क्या है? निखत जरीन। निखत जरीन जिन्होंने दोस्तों गोल्ड जीता था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो याद रखना ये भी चीज आपकी, भाई निखत जरीन भी थी, जो हमारे 4 गोल्ड आए थे उनमें से एक निखत जरीन थी, उनको दोस्तों ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है NMDC लिमिटेड का। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों, वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? दोस्तों आप सभी को पता होगा 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन अब इंटरेस्टेड ये है कि भाई जो इस बार मनाया गया था टीबी का वर्ल्ड टीबी डे, उसमें थीम क्या रखी गई थी? तो दोस्तों उसकी थीम याद रखना आप, उसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी, ये इसकी थीम थी। अगला पॉइंट दोस्तों, गवर्नमेंट एक्सटेंड PM कुसुम स्कीम। कुसुम की क्या फुल फॉर्म है दोस्तों? एक योजना है प्रधानमंत्री के द्वारा लाई गई है। कुसुम की फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, ये एक अभियान चल रहा है। तो इसकी दोस्तों डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसकी ये कब तक चलेगा दोस्तों? ये चलेगा मार्च 2026 तक, जो इस पॉइंट का आंसर था कि भाई मार्च 2026 तक चलेगा ये PM कुसुम स्कीम। अगला पॉइंट है हमारा, विच प्लैनेट नाउ हैज द मोस्ट मून इन सोलर सिस्टम। ये दोस्तों एकदम ताजा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसा कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जो अब बन गया है सबसे ज्यादा मून को रखने वाला। पहले क्या था दोस्तों? पहले था सैटर्न, पर अब बदल के क्या हो गया है? अब जुपिटर। अब जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून है, कितने हैं दोस्तों? 92, ये आप याद रखना। अगला पॉइंट है, विच टीम वॉन रणजी ट्रॉफी 2023। जिन बच्चों को नहीं पता रणजी ट्रॉफी कौन से खेल के लिए होती है, तो दोस्तों एक क्रिकेट की एक ट्रॉफी होती है। अब ये पूछ रहा है कि भाई 2023 की रणजी ट्रॉफी कौन सी टीम ने जीती है? तो उसका आंसर है दोस्तों सौराष्ट्र।
सौराष्ट्र टीम ने किसको बंगाल को हरा के अपने नाम करी है रणजी ट्रॉफी 2023। अगला पॉइंट है भाई न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब। ये दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत कॉमन और बहुत हाईलाइटेड टॉपिक रहा था कि यूट्यूब का सीईओ चेंज हो चुका है और अब एक इंडियन है जो यूट्यूब का भी सीईओ है दोस्तों, वो भी एक इंडियन है, उनका नाम क्या है, नील मोहन। नील मोहन कब चेंज हुए थे, 16 फरवरी 2023 को चेंज हुए थे। तो यूट्यूब का अब नया सीईओ कौन है, नील मोहन। अगला पॉइंट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का अब सीईओ किसको बनाया गया दोस्तों, उसका आंसर है बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के अब नए क्या है, हमारे सीईओ। अगला पॉइंट है हमारा भाई 12 न्यू चीताज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था ये वाला विषय भाई, 12 नए चीता लाए गए हैं, कौन से देश से लाए गए हैं इंडिया में, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम लाए थे इनको साउथ अफ्रीका से, इंडियन गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका से 12 नए चीता लाई थी। और दोस्तों ये एक क्वेश्चन ये हो गया कि भाई कहां से लाए थे, साउथ अफ्रीका से लाए थे। इनको रखा कहां गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने देखा था हमारे नर्सिंग एग्जाम में ही आया हुआ था दोस्तों, प्रीवियस किसी ना किसी पेपर में, आरएमएल में, एसजीपीजीआई में, जिपमर में, किसी में ये क्वेश्चन था कि भाई उनको कौन से नेशनल पार्क में रखा गया है। तो फ्रेंड्स ये नेशनल पार्क का नाम क्या है, कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में स्थित है कुनो नेशनल पार्क, वहां पे उन 12 नए चीताज को रखा गया है। अगला पॉइंट दोस्तों, विच कंट्री हैज वॉन द टाइटल ऑफ 2023 आईसीसी टी20 वुमेन्स वर्ल्ड कप। भाई महिलाओं का जो 2023 में टी20 वर्ल्ड कप हुआ है वो कौन सी टीम ने जीता है, मतलब कौन से देश ने जीता है, तो उसका आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। और ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार खिताब अपने नाम करा है, टी20 वर्ल्ड कप महिलाओं का छठी बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हरा के जीता था दोस्तों, साउथ अफ्रीका को हरा के जीता था ये उन्होंने वर्ल्ड कप। और दोस्तों जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थी वो कौन थी दोस्तों, एशली गार्डनर, जो ऑस्ट्रेलिया की ही एक खिलाड़ी है एशली गार्डनर, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रही थी। अगला पॉइंट दोस्तों, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च SSLV-D2। SSLV-D2 एक व्हीकल था, इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भाई छोटी सैटेलाइट को भेजने वाला व्हीकल है जिसका नाम क्या है, D2। ये कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करा था, इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, इसरो। इसरो दोस्तों हमारी स्पेस एजेंसी है एक, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने ही लॉन्च करा है क्या SSLV-D2। आज की वीडियो को दोस्तों हम इतना ही रखेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे। हमने दोस्तों दो क्लासेस में क्या पढ़ा, हमने ज्यादा टारगेट रखा है अपना करंट अफेयर्स पे, मेरी कल की और आज की जो नॉन नर्सिंग की क्लास है उसमें मैंने ज्यादा फोकस रखा है करंट अफेयर्स पे। लेकिन जो कल क्लास आएगी दोस्तों वो हमारी जीके से टारगेटेड रहेगी, भाई जीके के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे हम, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन कहां से बनते हैं कि भाई कौन सा डांस कौन से स्टेट का है, उस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो वो पढ़ेंगे कल हम। हम ये पढ़ेंगे भाई सबसे गहरा ओशियन कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, थोड़ी बहुत दोस्तों मोटी हम जनरल नॉलेज की जानकारी लेंगे कल की वीडियो में। तो फ्रेंड्स एक भी क्लास आप मिस नहीं कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट आ रहा है। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।